राजधानी जयपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक महिला का दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। मामला झोटवाड़ा के पटेल नगर का है। मॉर्निंग वॉक पर लिए लोगों ने चौराहे के पास महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर झोटवाड़ा थाना पुलिस, डीसीपी वेस्ट विकास कुमार, एडीसीपी बजरंग सिंह समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और वही प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई। पुलिस के मुताबिक बदमाश महिला की हत्या कर शव को यहां फेंक कर फरार हो गए। मृतका की शिनाख्त अभी तक हो नहीं पाई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की अब गहनता से जांच कर रही है। और इसी खबर पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए वन संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। यादवेंद्र, राजधानी में बदमाश इतने बेखौफ है कि झोटवाड़ा जैसे इतने व्यस्त इलाके में एक महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर शव को फेंक जाते हैं और किसी को कानों कान खबर तक नहीं। हाँ बिल्कुल ज्योति, एक बहुत बड़ी जो वारदात है वो यहाँ पर सामने आई है। चूंकि झोटवाड़ा जो थाना इलाका है बिल्कुल पॉश इलाका है और कॉलोनी के बीच में यहाँ पर एक निर्माणाधीन जो मकान था उसके पास में इस चौराहे पर यहाँ पर जो बदमाश थे, अज्ञात जो बदमाश थे, वो इस महिला को यहाँ पर हत्या कहीं और की और उसके बाद उसको मारने के बाद यहाँ पर पटक के चले गए। जब यहाँ पर सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब यहाँ के जो कॉलोनी वासी थे जब वो निकल रहे थे तो उन्हें यहाँ पर एक छोटा सा जो गड्ढा है वहां पर जो महिला है जिसकी उम्र करीब 20 से और 25 साल के बीच बताई जा रही है, ये अर्धनग्न अवस्था में यहाँ पर पड़ी थी। इसके बाद यहाँ पर के जो स्थानीय वासी है उन्होंने यहाँ पर झोटवाड़ा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर जब यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंची और इसके अलावा डीसीपी वेस्ट विकास शर्मा, इसके अलावा एडीसीपी बदन सिंह समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचाए। हालातों का आलामत करने पर यहाँ पर जब मामले की स्थिति गंभीर दिखी तो उन्होंने यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया। इसके अलावा एफएसएल की जो टीम थी उसको भी यहाँ पर बुलाया। तो यहाँ पर जब एफएसएल की टीम जो मौके पर आई तो उन्होंने पूरे यहाँ से साक्ष्य जुटाए और साक्ष्य जुटाने के बाद प्रारंभिक जांच में जो सामने आया है वो ये है कि जो महिला है उसके मुंह और गला दबा करके यहाँ पर उसकी हत्या की गई थी। हत्या करने के बाद यहाँ पर जो बदमाश थे इस शव को यहाँ पर पटक करके यहाँ पर चले फरार हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 बजे के आसपास जब यहाँ जो निर्माणाधीन मकान था वहां पर एक ट्रक आया था जो बजरी खलाने के लिए आया हुआ था, उस समय ये जो महिला थी यहाँ पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसको भी इस मामले की जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद जो पुलिस को यहाँ पर जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर लोग निकले तो उन्होंने यहाँ पर करीब 5 बजे के आसपास यहाँ पर पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर आई है और तमाम साक्ष्यों को यहाँ पर जुटा लिया है। फिलहाल जो आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं पुलिस उनको खंगाल रही है, लेकिन प्रारंभिक जो जांच सामने आया है कि जो उसकी वेशभूषा है महिला की उसे लग रहा है कि वह घरेलू महिला है और उसको मारपीट करके उसको गला दबा करके उसको यहाँ फेंका गया है। फिलहाल ये महिला है जो प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि जयपुर शहर की नहीं बताई जा रही है, लेकिन पुलिस है जो गुमशुदगी के आधार पर यहाँ पर अब इस महिला की शिनाख्ती के प्रयास में जुट गई है। क्योंकि सबसे पहले अगर शिनाख्त हो जाएगी महिला की तो उसके बाद मुलजिमों तक पहुंचना पुलिस के लिए काफी आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पुलिस को कुछ एविडेंस भी मिले हैं। चूंकि उन एविडेंस के आधार पर पुलिस है जो बदमाश है जो इस महिला को यहाँ पर फेंक के गए थे, इन सब बदमाशों का यहाँ पर पता लगाने में अब जो पुलिस है बिल्कुल जुट गई है। लेकिन ज्योति सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी जो माहौल था उसके बीच में जो पॉश इलाका यहाँ पर पड़ता है और उसके बीच में लगातार ये जो घटनाएं सामने आ रही है ये अपने आप में जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल निशान लगा रही है। इसके अलावा जो बदमाश है, जो बेखौफ जो बदमाश है वो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो किस तरीके से बेखौफ है उनमें किसी भी तरीके के पुलिस का यहाँ पर भय नहीं है, ये साफ तौर पर देखने को मिलता है। चाहे हम थाना गाजी की बात करें चाहे जयपुर शहर की बात करें, यहाँ पर ये बात अभी पुलिस इसके बुरे मामले में कहने से बच रही है कि इस महिला का दुष्कर्म किया गया है नहीं किया गया है, लेकिन ये बात तय है कि इस महिला को जिस हिसाब से जो अर्धनग्न अवस्था में जो बॉडी मिली है उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर महिला का दुष्कर्म करके, इस महिला की दुष्कर्म करके उसको यहाँ पर फेंका गया है। तमाम जो पहलू है इन पर जांच करेगी। यहाँ पर महिला की डेड बॉडी को यहाँ पर जो सवाई मानसिंह अस्पताल है उसमें रख दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद इस चीज का खुलासा होगा कि महिला का दुष्कर्म किया गया था नहीं, लेकिन प्रारंभिक जांच में सारी चीजें तय हो गई है कि महिला का दुष्कर्म करके यहाँ पर फेंका गया है। फिलहाल इस मामले में कहना कुछ जल्दबाजी होगा और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अब है जो पूरी तह तक पहुंचने के लिए यहाँ पर तमाम जो साक्ष्यों को जुटा करके जांच पड़ताल में जुट गई है। ज्योति जी, यादवेंद्र सही कहा आपने कि लोगों में कानून व्यवस्था का भय नजर नहीं आता है, लोगों में पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है। अलवर के थानागाजी गैंगरेप का मामला अभी तक शांत भी नहीं हुआ था ठीक से, आरोपी गिरफ्त में आने के बाद अभी भी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी में भी बदमाश इतने बेखौफ हैं
कि एक महिला के साथ दुष्कर्म करे और उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी और किसी को खबर तक नहीं। लेकिन जिस तरह से डीजीपी कपिल गर्ग लगातार ये दावे कर रहे थे यादवेंद्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि राजस्थान को रेपिस्तान नहीं बनने देंगे, लेकिन अब तो एक और बड़ी घटना कि दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या तक कर दी और अब गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले को पुलिस खंगालने में जुटी है। जैसे कि आपने बताया कि दुष्कर्म हुआ है, इस बात से भी पुलिस बच रही है ये कहने में भी, क्योंकि इनमें भी पुलिस की नाकामी दिखाई देगी। निश्चित तौर पे बिल्कुल जिस तरीके से वारदात हुई है और उससे साफ तौर पे ये कहना होगा कि यहाँ पर महिला को बड़ी बेरहमी से उसका दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसको यहाँ पर फेंका गया, क्योंकि अर्धनग्न अवस्था में पूरी लाश है, डेड बॉडी मिली है। तो तमाम जो पहलू है अब ये जांच पे टिके हुए हैं कि पुलिस इसको किस नजरिए से देखती है, लेकिन ये पोस्टमार्टम होगा महिला का, उसके बाद पता चल पाएगा कि इस महिला का दुष्कर्म हुआ है नहीं है, नहीं हुआ है। पुख्ता जो रिपोर्ट है वो पोस्टमार्टम के बाद में सामने आएगी, लेकिन फिलहाल महिला की यहाँ पर शिनाख्त नहीं हो पाई है कि महिला कहाँ रहती है। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर जो कॉलोनी के अंदर बीच में ये जो चौराहा पड़ता है, यहाँ पर जो बदमाश है, अज्ञात जो बदमाश है जिनकी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, वो यहाँ पर फेंक के गए हैं। तो ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बदमाश है कितने बेकौफ हैं, कानून व्यवस्था का उनमें कहीं डर नहीं है, पुलिस का जो डर है वो नहीं है, क्योंकि पुलिस जो लगातार ये कहती है कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, वो डर कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। वरना जो थाना गांधी की जो घटना सामने आई है ज्योति, उसके बाद से कहीं ना कहीं अपराधियों में डर हुआ होगा ये हमको देखने को मिलता है, लेकिन ये देखने को नहीं मिला है। राजधानी में जब ये घटना सामने आई उससे साफ प्रतीत होता है कि बदमाश बेकौफ है, किसी भी वारदात को करने से वो चूक नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर जयपुर पुलिस है जो तमाम पहलुओं को लेकर के जांच पड़ताल करेगी, तमाम जो कॉलोनी में जो लगे हुए हैं, बाहरी इलाके से यहाँ पर कौन व्यक्ति आया है नहीं आया है, तमाम जो हाईवे जो बाजार के अंदर जो रास्ते जाते हैं वहां पर तमाम टीमों को लगा दिया गया है। डॉग स्क्वाड की टीमें लगातार यहाँ पर खंगाल रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि बदमाश थे जो अज्ञात जो बदमाश सब पहलू को लेकर के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। और यहाँ पर पुलिस जो जो डीसीपी जो विकास शर्मा है उनका साफ कहना है कि वो जल्द ही मुलजिम तक पहुंच जाएगी और उन तो को पकड़ यहाँ पर पकड़ने जी में यादवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमें इस खबर पे अपडेट करते रहे। एक बार फिर से बता दूं कि राजधानी में बदमाश इतने बेखौफ है कि दिन दहाड़े एक महिला के साथ दुष्कर्म कर अर्धनंगन अवस्था में उसका शव फेंक कर चले जाते हैं।